हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, काफ़ी दिनों के बाद में यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम और आने वाली मॉक परीक्षाओं को लेकर कुछ खबरें प्राप्त हो रही है। सो इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम का आंसर की आ चुका है और अब उसके परिणाम की बारी है। तो आप सब लोग काफ़ी बार पूछ चुके हैं, सर परिणाम कब तक आएगा, नहीं रिजल्ट कब तक डिक्लेयर किया जाएगा पेट का, और उसके बाद ये भी आप लोग पूछ रहे हैं कि सर पेट के बाद में पहले कौन कौन सी वैकेंसियों की मुख्य परीक्षा बुलाई जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको इसी चीज़ों को बारे में जानकारी देने वाला, वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी दूंगा। आप सबको पता है एग्जामपुर चैनल के बारे में, एग्जामपुर चैनल ने पीईटी में अपार सफलता के बाद में दोस्तों यूपी लेखपाल में सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिए 5 सितंबर को एग्जामपुर चैनल पर विवेक सर आप सभी यूपी लेखपाल के एस्पिरेंट के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। कल सुबह 11 बजे देखना मत भूले। लिंक मैंने उनके क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जरूर 11 बजे कल जाइएगा। दोस्तों बात करते हैं पीईटी एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने कुछ दिन पहले यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम होने के बाद में यूपी ट्रिपल एससी के जो अध्यक्ष हैं उनकी आप लोगों ने बयान सुना होगा। उन्होंने कहा था कि हमने जो आंसर सीट है उनकी जाँच यानी कि जाँच करने का काम स्टार्ट कर दिया है। डेली का 1 लाख का टारगेट रखा है कि 1 लाख कॉपियाँ जाँची जाएगी। तो लगभग 20 लाख छात्र थे, तो उन्होंने कहा था 20 से 25 दिन लगने की संभावना है। और उन्होंने ये भी बताया था कि 15 सितंबर तक जहाँ तक हम टारगेट रख के चल रहे हैं और ये रिजल्ट जो है वो हम सितंबर के एंड तक। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, ये सितंबर कापियों जो रिजल्ट का काम है वो चल रहा है, कापियाँ जांची जा रही है रोज और बड़े काफ़ी भारी मात्रा में वर्क टीम लगी हुई है और आपका यही काम चल रहा है। क्योंकि बिल्कुल भी पहले वाला जो प्रतिक्रिया था, जो कार्रवाई उनकी रवैया था वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत तेज़ी से काम कर रहा है यूपी ट्रिपल एससी। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आपका जो रिजल्ट है वो 25 सितंबर के बाद में यानी कि 4th वीक ऑफ सितंबर तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर लेखपाल का तो सबको पता है और कौन सी वैकेंसी आने वाली है। भाई तो आगामी जो पीटी रिजल्ट है उसके बाद में पहली तो सबसे बड़ी भर्ती है वो है राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा कराई जाएगी और दूसरे नंबर पर एक भर्ती निकल के आ रही है जानकारी सूत्रों से कि एग्रीकल्चर की एक वैकेंसी है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का एक वैकेंसी जो आया था उसी से रिलेटेड वैकेंसी है जिसकी योग्यता भी एग्रीकल्चर ही मांगा जाएगा उसमें। तो वो उस वैकेंसी का जो है मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। वैकेंसी टोटल कितनी है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन ये जानकारी मिल गई है लेखपाल के बाद में दूसरी वैकेंसी जो है वो एग्रीकल्चर की विभाग की है, कृषि विभाग की है, वहाँ से वैकेंसी आने वाली है, उसकी मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। तो भाई आप लोग लेखपाल और इन जितने भी लोग एग्रीकल्चर से बीएससी वगैरह कर रखे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये चांस है, आप लोग इनमें ज़रूर आवेदन कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो योग्यता वगैरह को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपडेट के साथ में।